तो अब एक काम करते हैं, दोनों के बीच में कराते हैं टग ऑफ वॉर, देखते हैं अब कौन जीतता है। मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा गाइस, लो सी डीवी एक्सएल ई एक्स मैक्स से बहुत ज्यादा। हेलो गाइस, मेरा नाम है रायान। तो आज है लोसी डीबी एक्सएल ई का पार्ट टू वाला वीडियो। यहाँ पे लोसी डीबी एक्सएल ई, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था, आज पार्ट टू में मैं इसकी फाइट कराने वाला हूँ एक्स मैक्स के साथ और आर्मा नोटोरियस के साथ। तीनों ही कार्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है। सबसे पहले ये कार कितनी ज्यादा बड़े साइज की है ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि ये एक नॉर्मल रॉक क्रॉलर है जो कि मार्केट में 1000 से 2000 रुपए के बीच में मिल जाएगी। देखो, अगर मैं इसको लोसी डीबी एक्सएल ई के साइड में रखता हूँ तो भाई ये इसके सामने एकदम पिद्दी चीटी जैसी नजर आ रही है। तो आप खुद सोचोगे ये 2 लाख की कार कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। अगर ये कार को मैं एक्स मैक्स के साइड में भी रखता हूँ तो देखो एक्स मैक्स इसके सामने कितनी ज्यादा बड़ी नजर आ रही है। ये दोनों कार्स के बीच में प्राइस का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये 2 लाख रुपए की कार है और ये 1,40,000 रुपीस की कार है। देखते हैं गाइस एक्स मैक्स जितनी ये कार भी पावरफुल है या नहीं। इसके अंदर पूरी की पूरी फॉक्स जैसी चलाकी दी गई है और अपने एक्स मैक्स के बारे में तो आपको पता होगा, लॉयन जैसी ये दौड़ती है और इसके अंदर पावर भी बिल्कुल लॉयन जैसी दी गई है। ये वीडियो इतनी ज्यादा लेट होने का भी एक रीजन है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को बार बार कमेंट्स में बोला था कि इसकी पार्ट टू वाली वीडियो लाने के लिए। रीजन मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर देखो, पुरानी वाली जो बैटरी मैंने डाली थी वो बैटरी सही तरीके से काम नहीं कर रही थी और इसके अंदर पावर बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैं इसके लिए नई बैटरीज खरीद के लेके आ चुका हूँ। ये बैटरीज कंप्लीटली 4S है। इसी तरीके की बैटरीज आपने एक्स मैक्स के अंदर भी देखी होगी। एक्स मैक्स के अंदर भी इस तरह की दो दो बैटरीज डालनी पड़ती है। इन तीनों के बीच में मैं रोड पे रेस भी लगाने वाला हूँ। देखते हैं इस तीनों में से कौन है सबसे ज्यादा फास्ट और सबसे ज्यादा ताकतवर। चलो गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट, देखते हैं फर्स्ट रन फर्स्ट एक्सपीरियंस लोसी डीबी एक्सएल ई का कैसा होता है। अरे बाप रे गाइस, देख रहे हो उसकी पावर कितनी ज्यादा है। ओ माय गॉड, एक्चुअल में इसके व्हील्स की चौड़ाई थोड़ी सी कम है एक्स मैक्स के मुकाबले में। मेरे को लगा था कि इसको ग्रिप भी थोड़ी सी कम मिलेगी, पर गाइस जब मैंने इसके साथ ड्रिफ्ट कराया ना यार, इसको देख के मैं खुद हैरान रह गया। यहाँ पे देखो भाई, इसने पूरी तरीके से बवंडर मचा दिया था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था गाइस प्रॉपर तरीके से। गाइस देख रहे हो ये कार के अंदर कितनी ज्यादा पावर है भाई, इसने तो यहाँ पे तूफान मचा रखा है। इतनी ज्यादा धूल तो एक्स मैक्स भी नहीं उड़ाती है यार। अब एक बार मैं आपको एक्स मैक्स भी चला के बताने वाला हूँ। अरे बाप रे गाइस, देख रहे हो ये एकदम ऐसा उठ के खड़ी हो जाती है यार। हाई स्पीड में ब्रेक लगाने वाला हूँ। इसकी ब्रेकिंग भाई एकदम कमाल की है। मैं जैसे ही ब्रेक लगा रहा हूँ ये सामने इस तरीके से प्रेस करके ब्रेक लगाती है। और एक बार चला के दिखाता हूँ गाइस, देखो। ओ भाई कुछ नजर नहीं आ रहा है यार। अब होगी हिस्टोरिक रेस लोसी वर्सेस एक्स मैक्स के बीच में। एक्स मैक्स के अंदर इनिशियल पिकअप ज्यादा था पर लोसी डीबी एक्सएल ई इससे ज्यादा फास्ट है। फर्स्ट राउंड में बहुत आराम से ये जीत चुकी है। देखते हैं सेकंड राउंड में कौन जीता है। दोनों को मैंने टर्न करा लिया। सेकंड राउंड में भी क्लियरली लोसी डीबी एक्सएल ई फॉक्स जीत चुकी है। देखते हैं थर्ड राउंड में कौन जीता है। थर्ड राउंड आते आते दोनों के बीच में डिफरेंस काफी ज्यादा बढ़ चुका था। लोसी डीबी एक्सएल ई थर्ड राउंड में भी जीत चुकी है। अब लोसी डीबी एक्सएल ई की रेस कराने वाला हूं मैं आर्मन नोटोरियस के साथ। देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। ओ माय गॉड, आर्मन नोटोरियस तो काफी ज्यादा आगे निकल गई थी। ये देखो गाइस, आर्मन नोटोरियस इसको बिल्कुल बराबर की टक्कर दे रही है। दोनों बिल्कुल साइड बाय साइड चल रहे थे। अब तो भाई आर्मन नोटोरियस ने यहां पे कमाल कर दिया है। थर्ड राउंड में इसने तो पीछे छोड़ दिया है लोसी डीबी एक्सएल ई को। आप देखो गाइस यहां पे चेंज होना चालू हो चुका है। इस बार लोसी डीबी एक्सएल ई आगे निकल चुकी है और फोर्थ राउंड में भी लोसी डीबी एक्सएल ई बहुत आराम से जीत चुकी है। अब यहां पे इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस बढ़ चुका है। लोसी डीबी एक्सएल ई यहां तक पहुंच भी चुकी है। आप देखो यार, आर्मन नोटोरियस रेस को फिनिश कर पाई है। क्लियरली यहां पे भी लोसी डीबी एक्सएल ई फॉक्स जीत चुकी है रेस को। तो अब मेरे पास आ चुका है स्केटबोर्ड एक्स मैक्स। स्केटबोर्ड के ऊपर मेरे को बिठा के बहुत आराम से खींच भी सकती है। अगर मैं इसके ऊपर बैठ जाऊं ना तो पुश भी कर सकती है। अब सेम टेस्ट देखूंगा इस मैं करूंगा लोसी डीबी एक्सएल ई फॉक्स के साथ। देखते हैं इसके ऊपर मैं ठहरूंगा, फिर देखेंगे इस क्या मेरे को ये ढकेल पाएगी या फिर नहीं। चलो आप लोगों को ये तो पता ही होगा एक्स मैक्स मेरी रियल इग्निस कार को बहुत आराम से खींच के लेके जा सकती है। मैंने आपको ये चीज बहुत बार बता दी है। तो आज देखते हैं लोसी डीबी एक्सएल ई फॉक्स क्या मेरी रियल मारुति सुजुकी इग्निस को खींच के लेके जाएगी या फिर नहीं। देखो इस कार को मैंने न्यूट्रल कर दिया है
और ये रही रस्सी, यहाँ से मैंने इसको बांध दिया है। अब कार के हुक के अंदर रस्सी को बांध देते हैं। गाइस आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। तो हैंड ब्रेक मैं डाउन करूंगा, ये रहा। ओह गाड़ी थोड़ा सा पीछे जाने लगी थी, यहाँ से देख लो ये हो चुकी है न्यूट्रल। 1 2 3 स्टार्ट। अब यहाँ पे मैंने हाफ ट्रिगर दे दिया है, इतने से ट्रिगर में ही आप देख सकते हो गाइस इसने अपनी रियल कार को खींचना चालू कर दिया है, तो काफी स्मूथली घसीट के लेके जा रही है। अगर गाइस मैं ये सेम टेस्ट रोड पे करूंगा ना तो इससे भी ज्यादा स्पीड से ये इसको खींच के लेके जा सकती है। यहाँ पे मिट्टी ज्यादा होने के कारण बीच बीच में देख रहे हो इसके व्हील्स थोड़े से स्लिप होने लगे हैं। ओह माय गॉड, बस मैंने यहाँ पे आधा सा ही ट्रिगर दिया है भाई इसने खींचना चालू कर दिया है। इसके व्हील्स देखो यार, इसके ऊपर जरा भी फर्क नहीं पड़ा यार, इसके व्हील्स काफी ज्यादा मजबूत है भाई। इतनी तेजी से तो एक्स मैक्स ने भी नहीं खींचा था। मेरी प्यारी गाड़ी की हालत देखो गाइस, ओ माय गॉड। अब इसको घर लेके जाके मेरे को वॉश कराना पड़ेगा। लोसी फॉक्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसकी तो वाट लगा दी भाई इसने। तो गाइस अब इन दोनों के बीच में मैं कराने वाला हूँ पुशबैक, देखते हैं दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा ताकतवर। लोसी डीबी एक्सएलई का यहाँ पे पहला टेस्ट है, देखते हैं इसको ये हरा पाएगी या फिर नहीं, उसके बाद इसकी फाइट कराएंगे एक्स मैक्स के साथ। जैसे ही दोनों के अंदर मैंने ट्रिगर दिया है, लोसी डीबी एक्सएलई ने भाई चुटकी बजाते ही नोटोरियस को उठा के फेंकने की पूरी कोशिश की थी। तो अब इन दोनों के बीच में मैं कराने वाला हूँ थगो फॉर, अब देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। चलो यहाँ पे रख दिया मैंने, देखो काफी बड़ी सी रस्सी बांध दी है और ये रस्सी देखो यार कितनी ज्यादा मोटी है। 1 2 3 स्टार्ट। इन दोनों के बीच में थगो फॉर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो चुका है क्योंकि लोसी डीबी एक्सएलई ने इसको काफी भयंकर तरीके से खींचा है अपने तरफ, बिल्कुल भी चांस ही नहीं दिया इसने नोटोरियस को थोड़ा सा भी खींचने के लिए। देख रहे हो गाइस कितनी आराम से नोटोरियस को यहाँ पे खींच के लाई है। मेरे को लगा था कि भाई नोटोरियस थोड़ा सा भी इसको रोकेगी, पर ये कार बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब होगी सबसे ज्यादा खतरनाक फाइट लोसी डीबी एक्सएलई वर्सेस एक्स मैक्स के बीच में, देखते हैं गाइस पुशबैक करा के इन दोनों में से कौन किसके ऊपर भारी पड़ता है, कौन है किसका बाप। चलो इन दोनों के बीच में जो फाइट होगी वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। यहाँ पे लोसी धीरे धीरे करके एक्स मैक्स को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रही है, दोनों गोल गोल घूम रहे थे उतने में एक्स मैक्स ने इसको पटक दिया है इस तरफ। ओह माय गॉड गाइस देख रहे हो क्या ही खतरनाक सा सीन था यार, देखो पूरा यहाँ पे डस्ट डस्ट हो चुका है। अरे बाप रे लोसी डीबी एक्सएलई की हालत देखो यार। तो अब एक काम करते हैं दोनों के बीच में कराते हैं थगो फॉर, देखते हैं अब कौन जीतता है। 1 2 3 मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा गाइस, लोसी डीबी एक्सएलई एक्स मैक्स से बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही है। देखो गाइस यहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से ग्रिप मिल चुकी है और एक्स मैक्स भी इसको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। एक्स मैक्स इसके ऊपर मिट्टी भी बहुत ज्यादा फेंक रही है, फिर भी लोसी डीबी एक्सएलई फॉक्स यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रही है। दोनों ने मिलकर यहाँ पे पूरी तरीके से टाइफून मचा रखा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा गाइस। आप देख सकते हो यहाँ पे जिस तरफ भी देखो सिर्फ आपको डस्ट ही डस्ट नजर आएगा। ओ भाई देखो ऐसा लग रहा है कि दोनों के अंदर से सिर्फ धुआं ही धुआं निकल रहा है। पहले तो एक्स मैक्स मेरे को लगा था कि इसको रोक लेगी, पर जैसे ही मैंने फुल ट्रिगर दबाया है लोसी डीबी एक्सएलई के अंदर, एक्स मैक्स को ये घसीटती हुई यहां तक लेके आ चुकी है। दोनों की हालत देखो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, इसके व्हील्स के ऊपर ग्रिप ज्यादा होने के कारण इसकी हालत देखो, इसके ऊपर मिट्टी देखो गई कितनी ज्यादा गिरी है यार, इसकी बॉडी तो अभी से खराब होने लगी है। वहां पे देखो यार, ओ माय गॉड। तो यार पुशबैक में एक्स मैक्स जीत गई थी और थगो फॉर में क्लियरली यहाँ पे लोसी डीबी एक्सएलई फॉक्स विनर है। अब ये खतरनाक से ऑफ रोड टेरेन में सिर्फ और सिर्फ एक्स मैक्स चल पाई थी, अब देखते हैं क्या लोसी फॉक्स भी यहाँ पे चल पाएगी या फिर नहीं। मेरे को लगा था कि इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस कम होने के कारण यहाँ पे नहीं चलेगी, पर इसके अंदर पावर इतनी ज्यादा है, जैसे ही मैं ट्रिगर दे रहा हूँ देखो गाइस काफी आराम से ये इतने बड़े बड़े पत्थरों पे भी चढ़ रही थी। फिर मैंने यहाँ पे आर्मा नोटोरियस को भी चलाने की कोशिश की है, आर्मा नोटोरियस की हाइट भी ज्यादा है और इसके व्हील्स भी काफी चौड़े हैं, फिर भी देखो ये यहाँ से नहीं निकल पा रही थी। पर आर्मा नोटोरियस को अब जरा भी कम मत समझना गाइस, ये कार बहुत ही कमाल कमाल के स्टंट कर सकती है, जैसे कि देख सकते हो क्या ही खतरनाक तरीके से इसने जंप लगाया है भाई, मजा ही आ गया। फिर मैंने लोसी के साथ भी सेम टेस्ट करके देखा है, ये बहुत ज्यादा वजनदार कार है यार, फिर भी आप देख सकते हो काफी दूर दूर तक ये जंप लगा सकती है, मजा आ गया गाइस इसको चला के। लोसी XRT को थगो फॉर में कोई भी
नहीं हरा पाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। वैसे मेरे पास ट्रैक्सस की XRD भी है, आने वाले दिनों में XRD की और लोसी की फाइट कराएंगे, देखते हैं दोनों में से कौन किसको हराता है। तो चलो दोस्तों अभी मैं देने वाला हूँ शाउट आउट। पहला नाम है आनंद, आयुष यादव, जैन, दीपिका, वंश, संजू, सात्विक, गुरनूर, नैतिक, संजय। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।